हाय स्टूडेंट, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जैसे कॉमन पोस्टुरल डिफॉर्मिटीज के विषय में हमने सारा चीज़ पढ़ाया आपको, स्पाइनल कर्वेचर, फ्लैट फुट, नो नी। अब नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे उसी के डिफॉर्मिटी के विषय में, बो लेग्स एंड राउंड शोल्डर्स, ये पोस्टुरल डिफॉर्मेटिव है। इसकी यही हम लोगों का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। तो जैसे कि हमने बताया था कि आपके नो नी का ठीक इसका डिफरेंस, मतलब ठीक इसका उल्टा होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें दिया है, बो लेग्स आल्सो पोस्चरल डिफॉर्मिटी, ये भी एक पोस्चरल विकृति है। इट इज अपोजिट टू नो नी पोजिशन, नो नी पोजिशन का ये एकदम अपोजिट है, नो नी का एकदम अपोजिट है। इफ देयर वाइड गैप बिटवीन द नी व्हेन द स्टैंडिंग विद द फिट टुगेदर, जब हम अपने पैर को एकदम चिपका लेते हैं तो देखते हैं कि जो उसमें क्या था, जब हम पैर को चिपकाते थे नो नीक में तो उसका जो हमारा ये था नी था उसमें सट जाया करता था, ये फैल जाता था। अब इसका क्या है कि जब हम अपने पैर को चिपकाएंगे उसमें जो हमारा नी है ब्रॉड हो जाता है और उसमें गैप बन जाता है, बहुत अधिक गैप बन जाता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि जब हम उसको चिपकाते हैं तो उसके अंदर द इंडिविजुअल हैज़ बो लेग आर द जेनु वरुण, यानी उसके लेग में बो के मतलब बो लेग सॉरी बो के स्ट्रक्चर में, यानी धनुष आकार की वो उसका स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। नी आर वाइड पार्ट इन दिस डिफॉर्मेटिव नी इज वाइड अपेयर, यानी नी का जो होता है जगह वो बहुत ब्रॉड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। देयर रिमेंस वाइड गैप बिटवीन नी एंड नी व्हेन ए बो लेग्स पर्सन कीप हिज फिट टुगेदर, जब इसको हम मेजर करते हैं, जब मेजर करने का एक तरीका है कि दोनों पैर को आप चिपका दीजिए और चिपकाने के बाद देखते हैं कि उसका जो नी और एक दूसरे के नी के बीच का जो गैप है बहुत अधिक हो जाता है और ये जो हमारे टिबिया और फिबुला बोन है उसमें एक कर्वेचर बन जाता है, यानी उसका स्ट्रक्चर धनुष के आकार का हो जाता है, ठीक है। इसका केज क्या है, केज के बारे में, द मेन केज ऑफ बो लेग्स डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन बोन्स, यानी बोन्स में कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी होता है, इसका मेन कारण है। लॉन्ग बोन्स लेग बिकम सॉफ्ट, लॉन्ग बोन जितने जैसे कि हमारे टिबिया और फिबुला फीमर बोन एकदम क्या होते हैं कि ये लॉन्ग बोन है वो सॉफ्ट हो जाते हैं, मतलब वो मुलायम हो जाते हैं। हेंस दे आर बेंड आउटवर्ड, इसके चलते वो जो हमारे बोन्स है वो आउटवर्ड की दिशा में फैल जाते हैं। दे चेंज ऑफ बो लेग्स आल्सो इंक्रीज द चिल्ड्रेन बिकम ओवरलोड, जैसे कि जब बच्चा रहता है वो लड़का चाहे आदमी चाहे जो भी हो उसका जो बोन्स है जब वो नाजुक रहता है, यानी जो चिल्ड्रेन जब इसका एक भी कारण है कि व्हेन द बिकम वो जब आप ओवरलोड अपने शरीर पे या किसी भी जगह पे आप लेकर के ऑलवेज चलते हैं तो इसका भी इसका एक मुख्य कारण है। दी डिफॉर्मेटीज में ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, इसका एक मुख्य कारण और भी हो सकता है कि उसके अंदर विटामिन डी की कमी हो जिससे रिकेट्स होता है। अब इम्प्रॉपर वे वॉकिंग और फोर्सिंग द बॉबीज वॉक एट द वेरी एयरली एज में आल्सो लीड अप बोले, जैसे कि छोटे बचपन में अब जब अर्लियर एज में अगर हम बच्चे को बहुत जल्दी चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं या बाध्य करते हैं तो उसका भी एक मुख्य कारण है। प्रिक्यूशन क्या है, सावधानियाँ इसमें यह है कि डोंट लेट चिल्ड्रेन आप ओवरवेट, मतलब बच्चे को ओवरवेट कभी ना दें। डोंट फोर्स इनकरेज बॉबीज वॉक एन एट एन ईयरलियर एज में बच्चों को चलने के लिए प्रोत्साहित कभी ना करें। बैलेंस्ड डाइट शुड बी गिवेन चिल्ड्रेन, बैलेंस्ड डाइट जो होता है बच्चों को हमेशा बैलेंस्ड डाइट दें। देर शुड नॉट बी एनी डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम फॉस्फोरस एंड विटामिन डी डाइट, यानी उसके डाइट में फॉस्फोरस विटामिन और कैल्शियम का कभी कमी न होने दें। अब रेमेडीज क्या है, इसके उपचार क्या है,
दी फॉलो मेजर, इससे कुछ एक्सरसाइज या कुछ इसके रेमेडीज बताए गए हैं गोले के लिए। जैसे पहला है विटामिन डी शुड टेक इन ऑफ द रिक्वायर अमाउंट, विटामिन डी को आपको एक निश्चित मात्रा में लेना है। बैलेंस डाइट शुड बी टेकन, बैलेंस डाइट संतुलित आहार आपको समय से अपने समय पर या हर समय बैलेंस डाइट का प्रयोग करना है। बो लेग्स कैन बी करेक्टेड बाई वॉकिंग एंड इनर लेग्स फिट, इनर लेग के जो ये हमारा सपोज दैट ये पैर है, ये हमारा अंगूठे की तरफ इनर लेग है, इसको हम यदि करके ऐसे चलते हैं तो इसका एक रेमेडी, इसके रोकथाम के लिए एक ऐसा उपाय भी है उपचार के लिए। वन शुड वॉक बेंडिंग टो टू इनर वर्ड, अब टो के इनर वर्ड को आप बेंड करके उस पर भी अगर चलते हैं तो हमारा बो लेग के लिए उपचार इसका हो सकता है। अब आते हैं राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर क्या है? इन द पोस्चरल डिफॉर्मिटी, ये भी एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी है, विकृति इज द शोल्डर्स बिकम राउंड एंड समथिंग दिस सीम आप बेंड टू वर्ड, ऐसा इसको देखने के बाद जैसा हमारा ये शोल्डर जो होता है, जैसे हमारा स्ट्रक्चर शोल्डर का ऐसे है, ऐसे गया है और फिर यहाँ से ऐसे हुआ है। लेकिन उस ऐसी डिफॉर्मिटी में क्या होता है कि ये शोल्डर बिल्कुल एकदम ऐसे गोलाकार का हो जाता है, कहीं से इसका वो नहीं दिख, कॉर्नर की तरफ थोड़ा सा भी नहीं दिखाता, बिल्कुल ये राउंड फिगर में हो जाता है। तो ये हमारा शोल्डर के लिए है। इसका कारण क्या है? राउंड शोल्डर में ड्यू टू हेरिडिटी, एक हेरिडिटी का भी कारण होता है, वंशागति के कारण भी हो सकता है। सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, बेंट पोजिशन आल्सो रिजल्ट राउंड शोल्डिंग, जब हम बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं या जब चलते हैं तो अपने पोजीशन को बेंड करके रखते हैं, तो ये भी एक कारण होता है हमारे राउंड शोल्डर के। नेक्स्ट है सिटिंग ऑन द इम्प्रॉपर फर्नीचर कैन केज ऑफ राउंड शोल्डर, यानी हमारे फर्नीचर जो है बैठने का तौर तरीका, डेस्क टेबल बेंच जो हैं वो इम्प्रॉपर तरीके से नहीं होते हैं, तो उसका भी एक राउंड शोल्डर होने का कारण होता है। लेग प्रॉपर एक्सरसाइज एक्सैक्टली आप शोल्डर्स में आल्सो लीड, यदि शोल्डर का एक्सरसाइज ना किया जाए तो इसका भी एक कारण हो सकता है। अब इसके प्रिक्यूशन पे आते हैं, राउंड शोल्डर के प्रिक्यूशन क्या है? राउंड शोल्डर डोंट सिट वॉक और स्टैंड बेंट अप पोजिशन, कभी भी आप जब बैठे हैं या खड़े हैं या चल रहे हैं तो बेंट पोजिशन में ना हो, ठीक। एवॉइड टाइट फिटिंग क्लॉथ, टाइट फिटिंग जो क्लॉथ है उसको अवॉइड कर नहीं पहनना है, इसका भी एक कारण है, ये सावधानियां देने की ज़रूरत है, आवश्यकता है कि जब उसमें टाइट फिटिंग कपड़े भी ना पहने। अब अवॉइड सीटिंग ऑन अनकम्फर्टेबल फर्नीचर, जहाँ पे आपके बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है उस फर्नीचर पे ना बैठे। अब रेमेडीज क्या है इसके? द फॉलोइंग एक्सरसाइज शुड बट डन फॉर द रेमेडीज ऑफ राउंड शोल्डर्स डिफॉर्मेटी, डिफॉर्मेटी के लिए कुछ ऐसे एक्सरसाइज हैं जिसको हम यदि फॉलो करते हैं तो ये डिफॉर्मेटी अच्छी हो सकती है। तो इसके क्या है? पहला, कीप अवर टाइट टिप्स फिंगर ऑन योर शोल्डर, रोटेट योर एल्बोज क्लॉक एंड एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, यानी कह रहा है कि अपने उंगलियों के पोर को इस पे रखते हैं और रिक करके अपने दोनों एल्बो को क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, ऐसे जैसे आपको सुटेबल हो सके, जैसे पहले 10 बार हमने क्लॉक वाइज कर लिया, फिर इसके बाद एंटी क्लॉक वाइज कर लिया, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पहले आप क्या कर सकते हैं, एंटी क्लॉक वाइज करें या क्लॉकवाइज करें। नेक्स्ट है होल्ड द हॉरिजेंटल बार, अब शम हॉरिजेंटल बार होता है, जैसे कि एक पैरेलल ऐसे हॉरिजेंटल बार होता है, उस पर हम अपने हाथ दोनों को पकड़ने के लिए उसमें एक उस पर एक्सरसाइज की जाती है, हॉरिजेंटल बार जिमनास्टिक में होता है, एक्सरसाइज की जाती है, उसको पकड़ करके उस पर आप कुछ देर तक अपने आप बॉडी को हैंग करें, यानी उसमें लटकाए हुए रखें ताकि आपका ये जो शोल्डर का है, ये गोल शोल्डर जो है वो आपके करेक्ट पोस्चर में हो सके। परफॉर्म चक्रासन एंड धनुरासन रेगुलरली, यदि चक्रासन जैसे कि आपको पीछे बैठ करके ऐसे करके आप चक्रासन करते हैं या धनुरासन करते हैं तो इससे भी आपके जो राउंड शोल्डर हैं वो ठीक हो सकते हैं, ठीक है।
तो बेटा ये हम लोगों का जो था अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड सिलेबस, ये हम लोगों का लेसन चैप्टर 5 का कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग चैप्टर 6 पे चलेंगे। जैसे कि हम लोगों को पढ़ना था, इसमें क्या क्या पढ़ना था, जैसे भी हम बताए भी थे जब हम शुरुआत किए थे, तो हम लोग को पढ़ना था मोटर डेवलपमेंटल फैक्टर इफेक्टिंग एक्सरसाइज एंड गाइडलाइंस डिफरेंट स्टेज, ये वाला पढ़ना था, और एक और पढ़ना था कॉमन पर्सनल डिफॉर्मिटी। तो ये जो हमें कंप्लीट हो चुका है, अब हम चैप्टर 6 पे आएंगे वोमेन एंड स्पोर्ट्स पे। ओके, थैंक यू।